हेलो स्किल गुरु जी मैंबर वीवो प्रो कबड्डी में मैच नंबर इक्यासी यहां से डबंग डेली गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाना है देखो इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी 15-20 मिनट का वीडियो था उसके बाद पता चला कि बीच में ग्लिच हुई वीडियो कट गई हाफ से ठीक है तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें तो इसके लिए लाइक करना बाकी आज का परफॉर्मेंस हमारा एवरेज रहा ना ना ही आपने जीता होगा उतना ज़्यादा और ना ही आपने हारा होगा क्योंकि जो टीम थी हमारी वो सही थी बट डुओ मोड के जो सेलेक्शन थे ना वो थोड़ा रॉन्ग निकले क्योंकि आपने देखा होगा पहले आवर में यहाँ सचिन तनवर ने उतने ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करे नहीं थे अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई ये डुओ मोड क्या बोल रहे हो आप ठीक है तो देखो यार आप जाओगे ना एट द डेट रियल स्किल गुर सर्च करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा ना वहाँ पर आपको जो है ना कुबेरा फैंटेसी की पोस्ट दिखेगी मैक्सिमम और हमारा वॉइस वगैरह दिखेगा तो समझ जाना कि वो रियल चैनल है बाकी तुम्हारा भाई किसी से कोई भी पैसे वगैरह नहीं लेता हमारे नाम पे डुप्लीकेट चैनल भरे पड़े हैं तो कहीं भी नहीं जाने हैं इधर उधर रियल चैनल पे जाने कुबेरा फैंटेसी की पोस्ट वगैरह दिख जाएगी इसमें डुओ नाम की डुओ मोड नाम की एक फ़ीचर्स है जिसमें पांच प्लेयर होते हैं एक प्लेयर को उठाने होते हैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने होते हैं पैसे अर्न करने होते हैं एक दो तीन चार ये चार स्टेप में आप पैसे अर्न कर सकते हो इजी टू विन है देखो यार एक दो मिनट आपके लिए भी देने होते हैं अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो ड्रीम लोन पे अच्छा खासा पैसा लगाते हो तो कुबेरा फैंटेसी आपके लिए बेस्ट है क्यों है क्योंकि आप अगर फंस रहे हो किसी मैच में एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो ठीक है रिपोर्ट्स वगैरह नहीं निकाल पा रहे हो तो ईजी है कि एक प्लेयर को उठाने हैं पाँच में से एक प्लेयर को ही एनालिसिस करने हैं उठाने हैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं ईजिली पैसे जीतने हैं तो एक बार ही ज्वाइन करके देखना डिपॉजिट ऑफर चल रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने फटाफट ज्वाइन कर लेना और फाइनल अपडेट के लिए भाई यहाँ से रियल डीएल स्किल गुरजी टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन ज्वाइन करने स्किल गुरजी ऑफिशियल से नाम चाहिए सारी चीज़ें देख लेना परफेक्ट तरीके से ज्वाइन कर लेना धमाका होती रहेगी डिफेंडर ऑलराउंडर रेडर सेक्शन के ऊपर बात करेंगे अब देखो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी का में भी वापसी होने वाला है जैसे दबंग डेली का जो है बैकबोन बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका है जब से नवीन एक्सप्रेस जो है टीम छोड़ के गए हैं कमाल ये हुआ जब जीवा कुमार जोगिंदर नरवाल भी आई थिंक इंजर्ड हो गए अब देखो यार ये जो कबड्डी का गेम है ना थोड़ी एग्रेसिव होकर खेलते हैं सारे खिलाड़ी ये क्रिकेट नहीं है जो बॉल आके लगा हल्का फ्रैक्चर हो गया एक दो दिन में रिकवर हो गया जैसे भाई टैकल करते हैं तो एक प्लेयर के ऊपर रेडर, रेडर के ऊपर सारे के सारे प्लेयर चढ़ जाते हैं तो इंजरी अच्छी खासी होती है जो रिकवर होने में टाइम लगती है आपको ही पता है जैसे डैश करने जाता है कोई खिलाड़ी तो मारता है जोर से धक्का एकदम से भाई एकदम से कोर्ट से ही बाहर कर देता है तो उसमें से चोट लगने के जैसे पसली में लग गए सर में लग गए पैर भाई एकदम से टहरे हो गए तो ये सारी चीज़ें तो रिकवर करने में टाइम लगती है मे भी नवीन कुमार को और ज़्यादा समय लगे रिकवर करने में यहाँ से जोगिंदर नरवाल को अच्छा खासा समय लगे रिकवर करने में जीवा कुमार का मे भी वापसी हो सकता है गुजरात जाय की तरफ से देखें तो यहाँ से यहाँ से रविंदर पहल का वापसी हो सकता है मारुति गिरीश का यहाँ से वापसी हो सकता है ये सारे जो है थोड़े चांसेज है कि वापसी हो सकता है राइडर सेक्शन में ठाकुर जी का वापसी हो सकता है इधर से रेडर सेक्शन में नवीन कुमार का वापसी हो सकता है बाकी अभी देखोगे ना जो ऑलराउंडर सेक्शन है ना वो पावरफुल है मंजीत हो गए संदीप नरवाल हो गए विजय हो गए सुनील हो गए राकेश हो गए तो जितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे अब ऑलराउंडर कितने लोगे आप मैक्सिमम दो दो से ज़्यादा ले नहीं सकते हो तो मैक्सिमम दो लेने हैं तो बाकी मैनेज रेडर और डिफेंडर सेक्शन में ही करने हैं किस तरीके से मैनेज करने में आपको बताता हूँ सारी चीज़ें ठीक है तो कृष्ण विकास कुमार डी रहने वाले हैं डिफेंडर सेक्शन में यहाँ से डेली के लिए यहाँ से प्रवेश अंकित सोलेमान रहने वाले हैं गुजरात जायस के तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में मंजीत संदीप नरवाल और विजय रहने वाले हैं डबंग डेली के तरफ से सुनील राकेश रहने वाले हैं यहाँ से गुजरात जयंस की तरफ से रेडर सेक्शन में यहाँ से नीरज नरवाल अंशु मलिक रहने वाले हैं डेली की तरफ से बात करें राकेश नरवाल और यहाँ से महेंद्र राजपूत रहने वाले हैं गुजरात जैंस की तरफ से अब देखो यार दो खिलाड़ी ही लोग हैं ना अब जैसे आपको पता ही है कि संदीप हो गए विजय हो गए ठीक है अब देखो अगर नवीन का वापसी होता है उस कंडीशन में संदीप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे बट अगर नवीन एक्सप्रेस का वापसी नहीं होता है टीम में तो आपके लिए भी विजय इंपॉर्टेंट होंगे समझ रहे हो अब देखो समझना जरूरी होता है आप क्यों आते हो यहाँ पे आपको क्यों लगती है अच्छी वीडियो मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लगती है आप प्यार से लाइक कर देते हो यार तो लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो चलो आप वीडियो देखते देखते लाइक कर सकते हो ठीक है और वीडियो देख लो एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगी वीडियो कैसी लगी तो आप अपना रिव्यू देख सकते दे सकते हो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी ठीक है उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आते होगी ठीक है क्या मैंने बताया कि डबंग डेली की तरफ से अगर नवीन कुमार का वापसी होता है तो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए संदीप नरवाल बट वापसी नहीं होता है तो इम्पॉर्टेंट होंगे विजय तो चलो विजय को पुश करते हैं कॉम्बिनेशन दो दो तीन का होने वाला है दो रेडर रखने हैं दो ऑलराउंडर रखने हैं तीन डिफेंडर रखने हैं आपको ठीक है अब मैक्सिमम तो दो ऑलराउंडर ही रख सकते हैं तो चलो चूँकि अभी तो पता नहीं है कंफर्म आपको पता नहीं है कि नवीन एक्सप्रेस का वापसी होने वाला है या नहीं तो चलो विजय को उठाते हैं ठीक है अब इधर से देख लो अगर ठाकुर जी का वापसी होता है ठीक सुनो पूरा ध्यान से सुनना अगर ठाकुर जी का वापसी होता है तो फिर आपके लिए सुनील इंपॉर्टेंट होंगे अगर वापसी नहीं होता है तो फिर आपके लिए राकेश इंपॉर्टेंट होंगे चलो राकेश को उठाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से चलो राकेश को उठा लिए अब ऑलराउंडर सेक्शन अब सॉरी सॉरी भाई रेडर सेक्शन में देखोगे तो दो खिलाड़ी आपको सीधा इंपॉर्टेंट दिखेंगे अंशु हो गए और यहाँ से महेंद्र राजपूत हो गए ठीक है आप राकेश नरवाल के साथ नीरज नरवाल के साथ ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना बट एज आप स्मॉल लीग खेल रहे हेड टू हेड खेल रहे हो आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो भाई थोड़े रिस्क नहीं लेने क्योंकि मैं जितवा दूंगा इजीली ठीक है समझ रहे हो ना तो अब देखो महेंद्र राजपूत हो गए ठीक है आशु मलिक हो गए दो के दो रेडर हम लोगों ने पिक कर लिए और अच्छे तरीके से पिक कर लिए कोई डाउट डाउट हुआ तो कमेंट करना ठीक है कौन से हो गए आशु मलिक हो गए और ऐसे महेंद्र राजपूत हो गए जैसा कि मैंने बताया आप राकेश नरवाल नीरज नरवाल के साथ भी जा सकते हो बट कब जब आप ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो चलो एज ऐसा इंटरटेनमेंट के लिए आपने लगा रखे हैं चालीस पचास रुपये उस कंडीशन में ट्राई मारो एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर टीम के ऊपर तो फिर मजा आएगा ठीक है ऐसे यूँ ही आप सेफ तरीके से ग्रैंड लीग में जाए हुए तो कभी जीत नहीं पाओगे समझ रहे हो अब चलो आते हैं डिफेंडर सेक्शन में जो तो कृष्ण तो अच्छे कर ही रहे हैं अगर अवेलेबल होते हैं जोगिंदर जीवा तो देखा जाएगा आपने मुझे पता है कि आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है सारी अपडेट आपको मिल जाएगी तो वापसी होता है तो देखा जाएगा फिलहाल जो पिछले मैच में प्लेइंग सेवन रहा था उसी प्लेइंग सेवन के अकॉर्डिंग में सारी चीज़ें बताता हूँ तो क्रिशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे चलो क्रिशन को उठाते हैं अब चूँकि पूरा तरीके से रेडर सेक्शन डगमगा गया है डबंग डेली की तरफ से तो टैकल पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे किसके गुजरात जायंट्स के समझ रहे हो अब जैसे मान के चलो टीम ए है टीम बी है टीम ए की तरफ से रेडर सेक्शन कमज़ोर है अब जाहिर सी बात है टीम बी की तरफ से जो है डिफेंडर अच्छे खासे टैकल पॉइंट्स लाएंगे सेम कंडीशन यहाँ होती है बाकी इधर से देखोगे तो थो थोड़े महेंद्र राजपूत राकेश नरवाल और इधर से राकेश थोड़े तगड़े दिख भी रहे हैं बाकी इधर से विजय एक अच्छे रेडर हैं अच्छे रेडर के तौर पर साबित हो सकते हैं कल के मैच में अगर नवीन का वापसी नहीं होता है तो ठीक है अब चूंकि दो खिलाड़ी बचते हैं अंकित परवेश का जोड़ी आपने कमेंट्री सुना ही होगा बार बार सुना होगा अगर आप लाइव मैचेस देखते होगे प्रो कबड्डी का तो अंकित प्रवेश का जोड़ी अब देखो भाई मुझे लगता है क्या होने वाला है ना कि सलेमान जो कि पिछले मैच में मौका मिला और कुछ खास करा नहीं इन्होंने इनके जगह पे भाई यहाँ से रविंदर पहल का वापसी हो सकता है फिर कॉर्नर संभालना स्टार्ट करेंगे कॉर्नर जब संभालेंगे तो एक कॉर्नर पर रहेंगे प्रवेश एक कॉर्नर पर रहेंगे यहाँ से रविंदर पहल तो दोनों भाई इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो आप अंकित को हटा के प्रवेश और रविंदर पहल के साथ चले जाना बट अभी चूंकि पिछले प्लेइंग सेवन के अकॉर्डिंग मैं टीम बना के दिखा रहा हूँ आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर दी जाएगी तो चलो यहाँ से प्रवेश और अंकित को रख लेते हैं अपने टीम में अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बोलोगे भाई आपने तो बताया ही नहीं ये कैसी बात है नहीं भाई बता रहे वेट करो ठीक है कैप्टन देखो कंडीशन अप्लाई होती है कि ऑलराउंडर वाले राकेश जो हैं इनको आप कैप्टन बना दोगे वाइस कैप्टनसी के लिए मैं दो ऑप्शन देता हूँ कि आप विजय को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो आप से प्रवेश को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो ठीक है बाकी नवीन वगैरह खेलते हैं तो फिर विजय को भाई आपको थोड़े हट के चल रहे फिर संदीप नरवाल को लेकर चल रहे क्योंकि विजय का जब वापसी सॉरी भाई नबीन का जब वापसी होने वाला है ना तो सारे एकदम तगड़े मोड में आ जाएंगे वो शायद संदीप नरवाल वैसे संदीप नरवाल थोड़ा अच्छे टाइप में खेल लेते हैं बार बार प्रयास करते हैं बेशक ना पकड़े जाए वो अलग की बात है कल के मैच में बट जो अच्छे अच्छे डिफेंडर है ना वो अच्छे पॉइंट्स लाएंगे ही कोई उसमें डाउट नहीं है बट है डाउट यहाँ कि प्लेइंग सेवन उतनी तरीके से कन्फर्म नहीं है और हम इस मैच में अच्छे से एनालसिज़ भी नहीं कर पाए जो है भाई तुम्हारे सामने ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो भाई तोड़ के आया हूँ पुरानी और सब दिन मैं तोड़ के आता था, था हर एक चीज़ बट आज के डेट में क्योंकि प्लेइंग सेवन कंफर्म है नहीं न्यूज़ वगैरह उतनी अच्छी आई नहीं है किन किन प्लेयर का वापसी होगा पता नहीं अच्छे तरीके से सो डेट की उतने अच्छे तरीके से मैंने भी एनालसिस नहीं करा है तो थोड़े कम पैसे ही इन्वेस्ट करना अपने तरीके से बाकी आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा तो टॉस के लाइनअप आने के बाद तो फिर तो कंफर्म हो जाएंगे बचती आधे घंटा हमारे पास एकदम तगड़ा एकदम से तैयारी करके आपको टीम और डुओ मोड का सिलेक्शन दी जाएगी कोई डाउट नहीं है ठीक है उम्मीद करते हैं आपने कुबेरा फैंटेसी डाउनलोड कर लिया होगा डिपॉजिट ऑफर का फायदा उठा रहे होगे डिपॉजिट ऑफर चल रही है अच्छा खासा आप जो है बोनस जो है ले सकते हो तो ठीक है यहाँ तक वीडियो आपने देखा वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ठीक है माफी जाएंगे भाई अगर उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखा होगा पावर इस वीडियो में क्योंकि पावर जो है डाउन हो गया था मैंने पूरा रिकॉर्ड करा यार सोलह सत्रह मिनट मैंने रिकॉर्डिंग करी फिर पता चला कि फिर कैमरा में बीच में ग्लीच हुआ फिर नहीं हो पाई पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मैं बोलता चला गया फिर देखने कौन जाता है बोलता चला गया फिर जाके देखते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग तो ही नहीं फिर दोबारा से सारी चीज़ें इरेज करके फिर से लिख के सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी तो भाई मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं तो लाइक करना बनता है प्यारा सा एक कमेंट हमारे स्किल गुरुजी फैमिली के लिए सीखना बंद तो जीतना बंद सीखते रहना है स्किल गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है आइकन प्रेस करके रखना है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँची रहेगी बाय बेस्ट ऑफ लक टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा